नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर गाली देते दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ राजधानी में स्थित शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर एक दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा। बताया जा रहा है दरोगा का नाम श्याम बाबू शुक्ला है, जो कि डालीगंज चौकी में तैनात है। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना दे रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को दरोगा श्याम बाबू शुक्ला गाली देते हुए, धमकी देते हुए वीडियो में नजर आ रहे। दरोगा जी अभ्यर्थियों को धमकाते हुए कह रहे हैं, नेतागिरी करोगे तो झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज देंगे। प्रश्न इस बात का उठता है कि आखिर दरोगा जी को ऐसे बात करने की इजाजत किसने दी है, जबकि अभ्यर्थी शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद दरोगा जी पुलिस बल का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों को बस ले जाकर राजधानी के निषादगंज छोड़ दिए। ताजा जानकारी मिलने तक अभ्यर्थी अपनी मांगे अड़े रहे। अध्यापक की तैयारी करते होंगे लोग, 3 साल से बेरोजगार हो, टेट पास हो, क्या सर आप गाली देंगे? आप गाली देंगे हम लोग को? आप गाली देंगे? हम लोग 3 साल से बेरोजगार बैठे सर, कोई भर्ती नहीं आई है सर, बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मजबूर है। नेता नहीं है सर, नेता नहीं है सर, हम अपनी बात रख रहे हैं। 3 साल से बेरोजगार है, अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, 3 साल से बेरोजगार है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।